नकेल कसने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्या है पूरा मामला, देखे हमारे इस रिपोर्ट में। गढ़वा पुलिस ने शनिवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों से दो चोर गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोर गिरोह के पास से एक पिस्टल, चोरी का मोटरसाइकिल और लैपटॉप सहित अन्य चोरी के सामान बरामद किए हैं। उक्त जानकारी गढ़वा एसपी अंजनी कुमार झा ने रविवार को सदर थाना में प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि रमकंडा पुलिस ने शनिवार को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के समय शक के आधार पर चोर गिरोह के चार सदस्यों को एक पिस्टल सहित चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। कांडी थाना के स्कोरकोनी गाँव निवासी आशुतोष कुमार शर्मा, रमकंडा के विराजपुर गाँव निवासी रसूल मंसूरी, सदर थाना के हसकेर गांव निवासी अनुज कुमार, रमकंडा के विराजपुर गांव निवासी राकेश कुमार गुप्ता के पास के एक देसी पिस्टल, सफेद रंग का टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल, बजाज डीएलएक्स का एक बाइक, एक जिंदा कारतूस, दो लैपटॉप, दो बायोमेट्रिक मशीन, एक वाईफाई, एक पेन ड्राइव और कुछ रुपए नगद बरामद किए गए हैं। वही बशुनुपुरा पुलिस ने बिश्नुपुरा थाना के सरगांव गांव निवासी वीरेंद्र रजवार, पिपरी गांव निवासी विनोद रजवार, कांडी थाना के गांव निवासी विकास दुबे को एक हुंडा मोटरसाइकिल के एक हीरो एचएफ डीएलएक्स एक मोटर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों ही गिरोह का आपराधिक इतिहास रहा है। नए साल में सभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्रिमिनल एलिमेंट्स के अगेंस्ट में एंटी क्राइम चेकिंग चलाया गया था। इस दौरान विशेष रूप से दो थाना क्षेत्र में कल गढ़वा पुलिस को सफलता प्राप्त हुआ। एक तो रमकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तीन लोग थे जिनको कि चेकिंग के दौरान जो रमकंडा और भंडरिया मुख्य पथ है वहाँ सस्पिशियस स्थिति में पाया गया था। पूछताछ करने पर उन लोगों के द्वारा कई कांडों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया। अभी तक जो इन लोगों से पूछताछ किया गया है इसमें कुल चार ऐसे केस हैं, गढ़वा थाने के अंतर्गत कांडी के अंतर्गत लूट के मैटर्स है, मझियाँव थाना के अंतर्गत ज्वेलरी दुकान के पास इन लोगों ने लूट किया था, इसमें अपना इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसके अलावा दो बाइक का भी इन्होंने लूट का जो चोरी के बारे में इन लोगों ने अपना कन्फेस किया, जिसमें एक बाइक की चोरी गढ़वा थाने के अंतर्गत गढ़वा जिला के अंतर्गत हुआ था जबकि दूसरा चैनपुर में हुआ था। सबसे हाल में चैनपुर में कुछ दिन पहले ही एक CSP में लूट हुआ था। उस CSP में जो भी लूटा गया था आप लोग देख सकते हैं कि जो लैपटॉप और बाकी एक्सेसरीज है उनको भी बरामद किया गया। इस प्रकार से कुल चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जैसा कि अभी तक के अनुसंधान में आया है कि ये लोग इंटरस्टेट बाइक लिफ्टिंग और लूट गिरोह के सदस्य थे और आगे के अनुसंधान में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि और भी कई लोगों के नाम सामने आएंगे इस पूरे घटनाक्रम में। और साथ ही विशनपुरा में भी कल दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और उसके निशानदेही पर तीसरा व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ था। उन लोगों के द्वारा भी कई चोरी और लूट के केसेस में अपना कन्फेस किया गया अपनी संलिप्तता को और उनके निशानदेही पर भी दो बाइक जो चोरी के थे उनको बरामद किया गया, एक मोटर को भी बरामद किया गया। सर हथियार भी बरामद हुआ है सर? जी, जो रमकंडा में जो गिरफ्तार हुए थे उनके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ था कारतूस के साथ और बाकी भी इनके गैंग्स में लोग हैं जिनके बारे में कि आगे के अनुसंधान में चीज़ें। सर जो चोरी के आरोप में गिरफ्तार हुए उनका आपराधिक इतिहास भी है, बार बार मतलब घटना वो कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, कैसे इस पर रोक लगाया जा सकता है? जी, जैसा कि रामकंडा में जो गिरफ्तार हुए हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है, चोरी के केस में इनफैक्ट एक बाइक के चोरी के केस में ही पहले गए हैं वो अंदर, आर्म्स एक्ट का केस भी उन पे है। उसी तरीके से विशनपुरा में जो गिरफ्तार हुआ है उसके विरुद्ध चोरी के साथ साथ एक रेप का भी मैटर पहले रह चुका है, तो उनका आपराधिक इतिहास है और हम लोग का प्रयास यही रहता है कि लगातार इस तरीके के एलिमेंट को पकड़ा जाए जिससे कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएँ जो है